To keep it bowling, there's no time to be wasted. I just rather move it alone. Couple feet, but in different waters. I need space more than orders. I just rather move it alone. I know how you're feeling. Cause sometimes I do tie. Hello, this is Tops of Kessio. I hope you're watching this video. Or maybe we'll call it और आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा वो इसलिए क्योंकि मैं हूँ परेशान दोस्तों डेली ब्लॉग बनाना आसान नहीं होता है क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हो कुछ रिकॉर्ड करते हो तो पीछे से लोग कमेंट करने लगते हैं और जब कोई नहीं चाहता कि आप अपना ब्लॉग कंटिन्यू करो जब लोगों को पता होता है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है तब वो और ज्यादा ऐसी बदतमीजी करते हैं तो मेरे साथ ऐसा होता है और बहुत ज्यादा होता है तो कई बार मैं फेटअप हो जाती हूँ कई बार होता है कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और लोग खूब बेकार बेकार बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं और उसको मुझे फिर एडिट करना पड़ता है तो क्लिप काफी छोटी हो जाती है क्योंकि पांच मिनट का अगर रिकॉर्डिंग है तो पांच मिनट में वो तीन चार मिनट तो यही सब बोलते रहते हैं जिसको मुझे एडिट करना पड़ता है तो दोस्तों बहुत ही टफ होता है कई बार मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि थ्री डेज का चैलेंज है मुझे रोज ब्लॉग डालने हैं तो मुझे डालने ही पड़ते हैं भले सिचुएशन जैसी भी हो अकॉर्डिंगली मेरे नहीं हो पाता मेरे वीडियो नहीं बन पाते हैं बहुत बुरा लगता है दोस्तों लोगों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि अगर वो किसी को कुछ नया करता हुए देखते हैं तो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हम में से सारे ही लोग बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के लिए कई बार ऐसा होता है कि उनके काम में अड़चने आती हैं लेकिन फिर भी उन्हें गो थ्रू करना पड़ता ही है वो तो बात ठीक है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई एक्सेप्ट करे या ना करे लेकिन फर्क तब पड़ने लगता है जब लोग हर्डल्स बन जाएं और वो आपको आपका काम ना करने दें कमेंट बहुत ही बेकार बेकार तरीके के लोग पास करते हैं कि आपको खराब बोलने लगेंगे या आपके हुलियो को खराब बोलने लगेंगे आपको पागल बोले बहुत कुछ लोग बोल सकते हैं आपको क्या होता है कि रोज की बड़ी मेहनत होती है जब कोई दिन रात एक करके किसी काम पे मेहनत करता है तो उसे फर्क पड़ता ही है तो लोग कभी इस बात को नहीं समझते कि आपके लिए आपका काम कितना इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ आपका खराब करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो लोग डेली ब्लॉग्स बनाते हैं होता ही होगा क्योंकि आप इस चीज़ से बच नहीं सकते वो आपको डाउन फील करवाते ही हैं आपसे मैं रोज मिलती हूँ मैं रोज ब्लॉग बनाती हूँ और ये बात मुझे आपसे शेयर करनी बहुत ही जरूरी थी मैं बहुत ही कभी कभी लो फील करती हूँ और ब्लॉग बनाने बड़े टफ़ हो जाते हैं जब लोग मेरा वीडियो ख़राब करते हैं या वो अच्छे से बात भी नहीं करते तो मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है दोस्तों मैं आप लोगों को नहीं लिया करूंगी अपने वीडियो में आप लोग मेरे से काम चलाओ बहुत कम लोग होते हैं जो मेरे वीडियोस में अच्छे से बात करें बहुत कम होता है कि लोग अप्रिशिएट करें लोग ज़्यादातर बुराई ही करते हैं या वो समझते नहीं है कई बार मैं कैमरा उठा के जाती हूँ तो लोग कहते हैं ओ सुबह से स्टार्ट हो गई अच्छा इसका तो ये बंद ही नहीं होता इसका तो ये इसका तो वो कैमरा लेके चल दी अरे हटो हटो इधर मत आओ इस तरीके की बातें बहुत सारी होती है कई बार मैं लोगों से हेल्प भी मांगती हूँ कि अगर वो मेरे वीडियो में आ जाएंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा लेकिन बड़ी भीख मांगनी पड़ती है और बहुत ही गलत रिस्पांस मिलते हैं कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि मेरे कैमरे को ही पकड़ के मतलब मेरे फोन को ही पकड़ के लोग खींचने लगते हैं तो ऐसा भी होता है हंसी मजाक में लेकिन मैं इन चीजों को अवॉइड कर रही हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा कोई नुकसान हो बहुत इनिशियल टाइम है मेरा अगर मेरे फोन का कैमरा खराब हो गया या मेरा फोन टूट गया या गिर गया या कुछ भी नुकसान हो गया इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा आज मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ कि कोई बुरा है या अच्छा है जो भी है लेकिन जो मेरे साथ सिचुएशन होती है मैं आपको वो बता रही हूँ मेरा शेयर करना बहुत जरूरी है अगर मैं अपनी बातों को रख देती हूँ तो मेरे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है आगे बढ़ना आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं मस्ती नहीं कर पाई और मैं आपको मस्ती वाले वीडियो नहीं दिखा पाई लेकिन दोस्तों ये बात फैक्ट है बहुत सारे लोगों के साथ जो मिलकर वीडियोस बनाते हैं ऑफकोर्स उनके वीडियोज अच्छे ही होते हैं बट जो सोलो वीडियोज बना रहे हैं तो उनके लिए काफी बड़ी डील हो जाती है लोगों को एंटरटेन करना और कुछ नया क्रिएट करना या कुछ नया करते रहना और उन लोगों के लिए जो लोग डेली ब्लॉग्स को इजी समझते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड किया और डाल दिया ऐसा नहीं होता है आप एक बार करके देखो आप रोज़ वीडियो रिकॉर्ड करके डाल के देखो प्रॉपर तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी मेहनत होती है थैंक्स टू यू गाइज आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है एनालिटिक्स में मैं देखती रहती हूँ कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं बाहर जाके मैं रिकॉर्ड फिर भी करूँगी किसी को पसंद आए चाहे ना आए बिकॉज वो तो मेरा काम है और मुझे 365 डेज का चैनल कंप्लीट भी करना है कैसे भी जब ये बात लोगों को पता चलती है कि मेरा कोई चैलेंज है तो वो उसे ब्रेक करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि मैं ना कर पाऊँ तो वो तो कैसे भी करके होगा भले लोग इसे कितना भी रोकने की कोशिश कर लें आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए आप लोग मेरे वीडियोस शुरू से एंड तक देखा करो क्योंकि बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं और एक और बात दोस्तों सुबह का थ्री सिक्सटी फाइव डेज फाइव ए एम चैलेंज जो है वो तो आपको पता ही होगा सत्तर दिन उसने कंप्लीट किए हैं और अभी तो बहुत आगे जाना है बट सत्तर दिन सुबह पाँच बजे उठना कोई आसान बात नहीं है कई बार होता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है कई बार होता है आप सैड होते हो बहुत कुछ आपके लाइफ में चलता रहता है और उसी के साथ आपने जो कमिटमेंट किया है उसे भी फुलफिल करना ही होता है तो ये टफ हो जाता है बाकी कुछ टफ नहीं है कुछ भी टफ नहीं होता आप सब कुछ कर सकते हो दूसरी बात की सुबह वाला जो फाइव एम चैलेंज है आप लोग उसे ज़रूर फॉलो करिए मैं वेकअप कॉल देने आती हूँ मेरा कहने का मतलब ये है बार होता है कि लोगों को चाहिए कि उनके साथ भी कोई उठ रहा हो जब कोई चैलेंज की बात करता है ना तो अपने आप ही एक, एक एनर्जी आ जाती है बॉडी में तो इसीलिए ये चैलेंज है कि आपको अकेला फील ना हो आपको लगे कि हाँ आपके साथ कोई और भी जाग रहा है और इस लहर में अगर मैं अपना एक होता है ना पानी का बहाव होता है उसके साथ अगर आप बहोगे तो आप अपने किनारे पे पहुंच जाओगे वही चीज़ है आप इसको ज़रूर फॉलो करो क्योंकि मुझे पता है कि आज की लाइफ स्टाइल में लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं बहुत ही कम होता है कि वो जल्दी उठे अगर ऑफिस भी जाना है तो वो एक घंटा पहले उठते हैं अगर सात बजे का ऑफिस है तो वो छः बजे उठते हैं अगर आठ का है तो सात बजे उठते हैं ऐसे लोगों का रूटीन हो चुका है वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे ये बुरा लगता है कि लोग अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं मैं भी पहले ऐसी थी मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती थी लेकिन अब मैं अपने लिए बहुत कुछ कर रही हूँ बिकॉज लाइफ एक ही मिली है और वो दोबारा नहीं मिलेगी किसी की बातों में आप मत आया कुछ अच्छा करने चलते हो और लोग आपको पीछे घसीट लेते हैं कि अरे क्या करोगे उठ के क्या करोगे वर्कआउट करके क्या करोगे कुछ भी करके क्या करोगे बट उन बातों को बिल्कुल भी मत सुनो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पांच बजे उठना चाहिए बजे उठना चाहिए बोल के चले जाते हैं वहां पे किसी को भी एक कनेक्टेड फील नहीं हो पाएगा क्योंकि किसी ने एक बार कह दिया और उस चीज को कंटिन्यू रख पाना मुश्किल होता है तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया था रोज तो पांच बजे में आऊंगी ताकि सब लोग जो भी मुझे देखे उसे ये इंतजार हो कि कल जब मैं उठूंगा तो कल एक मैसेज जरूर आएगा सुबह उठ के आप लोग जरूर कमेंट किया करो मुझे अच्छा लगेगा मैं कुछ एक्सप्रेस करना चाहती थी वो बहुत ज़रूरी था मैं आपसे कल मिलती हूँ आज के लिए इतना ही तब तक के लिए लव यू